गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आप लोगों का सवाल होता है कि जो लोग सऊदी आना चाहते हैं किस तरह से आए, वीजा कहाँ से मिलेगा, आने में कितना खर्च होगा, आने के बाद यहाँ पे कौन कौन सी परेशानियां होती है और भी बहुत सी जानकारी न्यू वीजा को लेकर के। जो लोग सऊदी आ जाते हैं उनका क्या रिएक्शन रहता है, बहुत से लोगों का सवाल होता है क्या वहाँ पे काम करने वाले ज्यादातर मुस्लिम है या गैर मुस्लिम भी है। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे बंदे हैं कि आप लोगों को उससे मिलवाने वाला हूँ और ये आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा वीडियो। ये भाई साहब जुड़ गए हैं। भाई साहब क्या हाल है? ठीक है। क्या नाम है भाई साहब आपका? सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव, कहाँ से आप? इलाहाबाद। मतलब उत्तर प्रदेश वाले हैं? इलाहाबाद, खास इलाहाबाद से। तो आप सऊदी में पहली बार आए कि इससे पहले भी आए थे? नहीं, पहली बार है। पहला अच्छा, थोड़ा आप इधर देख करके बात कीजिए क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आए ना, आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है। ओके। तो आप पहली बार आए और आकर के आपको कैसा फील हो रहा है? सब अच्छा चल रहा है। मतलब जो आपने बचपन में सुना सऊदी के बारे में और कि जो गैर मुस्लिम है वो सऊदी में जाते हैं, हिंदू लोगों को परेशान किया जाता है, ये वो दुनियादारी की बहुत सी ऐसी बात? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर? जो है अपने हिसाब से सब अच्छा चल रहा है। हाँ, किसी को कोई जबरदस्ती, कोई किसी का इंक्वायरी कुछ नहीं है, सब अपने आदमी है। तो एक चीज बता, आप सऊदी में काम के लिए आए पहली बार। हाँ। आते हुए आपने कुछ सोचा होगा कि भाई मैं जा रहा हूँ मुस्लिम कंट्री में, एक ऐसी जगह पे कि जिसके बारे में आपने बताया कि बचपन से सुन रहा हूँ कि वहाँ पे ज्यादातर मतलब गलत तरीके से पेश आते हैं, जैसे आपने बोला था इससे पहले। हाँ। तो कुछ ऐसा आपको महसूस हुआ? नहीं नहीं, ऐसा हमको कुछ महसूस नहीं। जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो मुस्लिम नहीं है, खास करके जो मुस्लिम है, आप उसे क्या संदेश देना चाहोगे इस देश के बारे में? अच्छा संदेश रहेगा, जैसा हमारा अच्छा चल रहा है सब कुछ, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई भी जबरदस्ती नहीं है। यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं कि जो आज तक अंडा नहीं खाया, वो हिंदू धर्म से आज तक अंडा नहीं खाया, मीट मछली तो बहुत दूर की बात है। कुछ लोगों का सवाल होता है क्या हम मीट मछली नहीं खाते हैं, शुद्ध शाकाहारी, क्या हम सऊदी में काम नहीं कर सकते हैं? तो भाई बताओ, ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो आज तक अंडा नहीं खाया वो लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप सऊदी काम के लिए आए हो तो ये वीजा आप कहाँ से लिए? मुंबई से। मुंबई से, मुंबई ऑफिस। तो खास आपको मुंबई आना पड़ा या आपके लखनऊ साइड ही कोई मिल गया था? नहीं, हमारे साइड में मिल गया था, वो मुंबई से काम करवाया। मुंबई से काम। तो कितने पैसे आपसे लिए टोटल, कितने पैसे खर्च हुए हैं सऊदी आने में? पड़ गया 70,000 रूपए। तो 60-70 हजार के आसपास पड़ गया, वो भी जान पहचान होने के कारण। और ऊपर वाले का शुक्र मनाओ कि आप बहुत अच्छे जगह आए, आपका काम भी अच्छा है, ड्राइविंग में आए हो। काम कैसा है, काम ज्यादा? काम अच्छा चल रहा है, अभी तो नया नया आया हूँ, कुछ काम तो नहीं है भाई। आए हुए कितने दिनों का सऊदी में? आज आए हुए हो गए मेरे को 15 दिन। 15 दिन। पासपोर्ट आपका कौन सा, अनपढ़ का था? पढ़े लिखे? नहीं, पढ़ा लिखा का था। मतलब आप पढ़े लिखे लग रहे? पढ़े लिखे। तो भाई साहब इसका पासपोर्ट ECNR था और बहुत अच्छी बात है। सैलरी क्या? सैलरी तो बताया गया 1500। 1500 रियाल सैलरी है। अगर ये 200 या 250 रियाल खा भी जाते हैं और 100 रियाल नेट पे डाल देते हैं तो भी तकरीबन सोचा जाए तो इसका वही 1200 के आसपास बच जाएगा कि और थोड़े बहुत इधर उधर करके, कि जो कफिल है वो कुछ न कुछ दिलवाते रहते हैं और भी आने के बाद कुछ न कुछ हो जाता है। क्योंकि बहुत से आदमी का सवाल होता है क्या एक्स्ट्रा कुछ काम कर सकते हैं? एक्स्ट्रा आप काम तभी कर सकते हैं जब आपको जुबान आएगा। किसी भी जगह पे अगर आप जाते हैं तो जब आप पुराने हो जाएंगे उसके बाद ही आपको रास्ता दिख जाएगा आपको करना क्या है। किसी भी फील्ड में या किसी भी कंपनी में कहीं भी काम के लिए जाते हैं ना तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है हर चीज को लेके। आपका इकामा बना अभी? नहीं, अभी इकामा नहीं बना। इकामा नहीं बना, लाइसेंस भी नहीं बना अभी। और आपका पासपोर्ट आपके पास है? कफिल ले लिया? नहीं, कफिल के पास है। चलो कोई नहीं, आपका पासपोर्ट बिल्कुल सेफ है और जो लोग भी आना चाहते हैं वो बिल्कुल ला सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। भाई साहब की स्माइल देखो, कितना खुश है सऊदी आकर के। शादी हो गई कि नहीं? नहीं, शादी नहीं हुई। अच्छा, शादी नहीं हुई अभी? आया तो कुछ इरादा करके 2 साल 5 साल 10 साल? नहीं, 2-3 साल तो रहेगा। 2-3 साल? चलो भाई, हर किसी तो पहले नहीं जाएगा। हर किसी के लिए तो भाई मैं दुआ करूंगा कि जो भी आदमी आता है कामयाब होके जाए और 2 पैसा कमाए और अपना आप में इंसान को वो खुशी मिले, वो इम्प्रूवमेंट लाए अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए। और बहुत अच्छी बात है, और इंसान जो भी आता है और आने के बाद बड़ा अच्छा लगता है नए लोगों से मिल करके। तो ये वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो इस वीडियो को फिर यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। और मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।